सुल्तान। अब तक आपने देखा, सुल्तान अल्तमश ने ईदी के तौर पर अपनी आवाम को नए सस्ते चांदी के सिक्कों का तोहफा देने का वादा किया। पुराने सोने के महंगे सिक्कों का चलन खत्म कर चांदी के नए सस्ते सिक्कों को जारी करने का हमने फैसला किया है। जहां एक तरफ ईद की तैयारियों की पूरे महल में रौनक है, वहीं शमशाद बेगम अपने दामाद सुल्तान अल्तमश की लाई तब्दीलियों से खुश नहीं है। ये कैसी तब्दीलियां हैं कुतुब, जो तुम्हारे अब्बू जान का वजूद हिंदुस्तान की सर जमीन से मिटा दे। शहजादी रजिया अपनी नानी शमशाद बेगम की नाराजगी से अनजान अपने अब्बू सुल्तान अल्तमश के लिए तोहफा लाने के लिए पहले शेर का बाल और फिर रेगिस्तान में एक बियाबान पेड़ पर चढ़कर उसका पत्ता हासिल करती है। जहां एक तरफ शमशाद बेगम रजिया के गुस्ताखी से खफा होकर उसे अपने सामने लाने का हुक्म देती है, शहजादी रजिया को हमारे सामने पेश किया जाए। वहीं रजिया अब तीसरे और आखिरी तोहफे की तलाश में है। अब आगे शहजादी रजिया, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे रुको रुको, हमारे साथ चलो तो सही। शहजादी, हमें बहुत डर लग रहा है, अगर किसी ने हमें पहचान लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, और अगर वालिदा को पता चल गया तो? अरे पता तो तब चलेगा ना जब हम पकड़े जाएंगे। निजामुद्दीन की दुकान देखी है आपने? हमें खबर नहीं, आप आगे देखिए। जनाब जी, जी इस गली में एक बड़े ही उम्दा कारीगर है, निजामुद्दीन। जिस गली में तो सभी उम्दा कारीगर हैं। आप मुझे बताइए ना, आपको क्या चाहिए, मैं दिखाता हूँ आपको। जी नहीं, हमें कुछ खरीदना नहीं है, हम यहाँ उन्हीं से मिलने आए थे। उनके चेहरे पे एक कटा हुआ निशान है। कटा हुआ निशान? हाँ, आप सीधे जाइए, फिर वहां से दाएं, उसके आगे से बाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। काम चोरो, कोड़ों की जबान समझ में आती है क्या तुम्हें? चमड़ी उधेर के रख दूंगा तुम लोगों की। अरे ना मुरादो, मैं क्या फारसी में बोल रहा हूँ? अरे निजामुद्दीन का नाम निकाल दो और इसकी जगह रहमत लगा दो, रहमत कालीन वाला। ए, अरे तुझसे बेहतर तो कुत्तों की समझ होती है। ए लड़की, क्या देख रही है यहाँ, तमाशा हो रहा है यहाँ, चल निकल यहाँ से, चलते बन। जनाब, क्या वो दरी वाले निजामुद्दीन की दुकान यही है? क्या क्या कहा तूने लड़की, तू क्या आंख से अंधी है? इस दुकान का मालिक मैं हूँ, यहाँ पर कोई निजामुद्दीन नहीं रहता, मर खप गया कब का। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों, अब मरने के लिए तुम जैसे गुलामों की इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? चल निकल यहां से। या अल्लाह, अब हम अब्बू का तोहफा पूरा कैसे करेंगे? सुनिए, आप मोहम्मद निजामुद्दीन से मिल रहे हैं। आज परसों बाद कोई हमसे मिलने आया, वरना किसी को क्या परवाह कि ये बूढ़ा कारीगर खोया जिंदा भी है कि मर गया। ऐसा ना कहें चाचा जान, आपके तो बहुत कर्ज हैं हम पे, अगर आप ना होते तो शायद हम भी ना होते।
उम्र के इस मोड़ पर बिटिया सालों का हिसाब तो रखा नहीं जाता है, कर्ज का हिसाब कैसे रखूंगा? तुम कौन से कर्ज की बात कर रही हो? तुम कौन? हमें है सल्तनत की जहांपनाह, सुल्तान अल्तमश की बेटी शहजादी रजिया। रजिया, सुल्तान की बेटी रजिया। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बिटिया। वाह, आ बैठिए, आ बैठिए। वाह वाह मेरे नोला, कैसा अच्छा नसीब है मेरा। शायद तुम्हारे दीदार के लिए ही अब तक परवरदिगार ने मुझे जिंदा रखा है बेटी। बोल मेरी बच्ची, क्या चाहिए तुम्हें? कैसे आना हुआ? चाचा जान, अब्बू के लिए कौड़ी मिलेगी। कौड़ी? समझ गया, समझ गया, मैं सब समझ गया। फातिमा, जरा भी क्या मेरी पुरानी संदूकची तो लेकर के आ। जी। आज आज उसमें रखी हुई दौलत का सही हकदार आया है। तो ये महज एक कौड़ी ही, लेकिन इसने लाखों के मोल दिए। न जाने कितनी सांसों को इसने टूटने से बचाया है, कितनी ही जिंदगियों को इसने आबाद किया है। बेटी, इसको मेरी तरफ से सुल्तान को नजर करना। लो लो बेटी। आपकी रूह बहुत नेक है चचा जान। इस एक कौड़ी का एहसान तो हमारे अब्बू अपनी पूरी सल्तनत को देकर भी नहीं उतार पाएंगे। चचा जान, फातिमा आपकी बेटी है? नहीं बिटिया, फातिमा अभी भी गुलाम ही है, लेकिन मेरे बच्चों से ज्यादा इसने मेरी खिदमत की है। इसलिए कल ही ईद के पाक दिन पर मैं इसे खते आजादी देकर गुलामी से आजाद करना चाहता हूं, और चाहता हूं मेरे मरने से पहले फातिमा खुश रहे, आबाद रहे। जैसा सुना था बिल्कुल वैसा पाया। आप सच में बहुत नेक दिल हैं। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। अच्छा चचा जान, अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। शहजादी रजिया, बिटिया अल्लाह का नूर तेरी आंखों में। अरे जो बच्चे फकत एक कौड़ी के लिए यहां तक आ सकती है, वो जिंदगी में बहुत दूर तक जाएगी। मेरी दुआ है तेरे साथ बिटिया, मेरी दुआ है। व
वालिदा सुल्ताना शमशाद बेगम ने आपको शाही महल में पेश होने का हुक्म दिया है। शहजादी रजिया तशरीफ ला रही हैं। सलाम वालेकुम नानी। गुस्ताख लड़की, किसकी इजाजत से तुमने महल के बाहर कदम रखने की जुर्रत की? बड़े बुजुर्गों की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें? जो सरेआम गलियों में अपनी इज्जत तुम नीलाम करती फिर रही हो, इस गुस्ताखी की तुम्हें सजा मिलेगी। पर नानी, हम तो अब्बू के लिए। खामोश! हम तुम्हारी सफाई में कुछ सुनना नहीं चाहते। अरे लड़की को बोलने तो दे गुलकन, सुन तो लो क्या कहना चाह रही है बच्ची। पर नानी, हम तो अब्बू के लिए ये तोहफे। ये क्या है देखें हम। ये पत्ता, ये कौड़ी, ये फजूल की चीज, ये बुनोगी तुम अपने अब्बू के कफ्तान पे? मगर नानी, तुमने सोचा भी कैसे कि हम इसकी इजाजत देंगे? ऐसे अचानक आने की खबर तो दी होती आपने। खबर देते तो ये खबर हमें कैसे मिलती? कि जिन दुआओं की बदौलत आज हम सुल्तान हैं, उन्हीं दुआओं का मोल लगाया जा रहा है। गुस्ताखी माफ हो सुल्तान, लेकिन हम इन चीजों का मोल नहीं बल्कि रजिया की हरकतों पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी कोशिश में आपने रजिया की मोहब्बत और उसकी कोशिश को नजरअंदाज कर दिया। ये चीजें नहीं होती वालिदा सुल्तान तो शायद हम भी ना होते, हमारा वजूद ही ना होता। रजिया, ये क्या चीज है आपको पता है? रजिया मेरी बच्ची, वक्त की शाख से लम्हे चुरा के लाई हो। आज तुम्हारी बदौलत तारीख के पन्नों ने फिर से अंगड़ाई ली है, फिर एक नया पन्ना खुला है, फिर कोई पुरानी कहानी याद आई है। अब्बू, ये क्या चीज है? ये पत्ता, ये पत्ता उसी पेड़ का है जहां मेरे चार बड़े भाइयों ने ईरान रेगिस्तान में मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें मेरी शक्ल ना पसंद थी। उसी पेड़ तले मुझे एक जालिम इंसान मिला था जिसने मुझे अपना गुलाम बना लिया, और मैं उसे अपना आका कहता था।
ये बाल वैसे ही किसी खूंखार शेर के हैं जिसके पिंजरे में परसों पहले सजा के तौर पे मुझे मरने के लिए डाल दिया गया था। कुछ और ही मंजूर था। वो खूंखार शेर हमारे अब्बू को जिंदा चबा जाने के बजाय प्यार से उनके पैर चाट रहा था। और अब्बू, वो कौड़ी उसमें क्या खास है? मेरी जान की कीमत अदनी सी इस कौड़ी को मैं कैसे भूल सकता हूं। ये मेरी आजादी का फरमान था, इसलिए मुझे ये इतनी अजीज है। नेक दिल निजामुद्दीन को मेरी हालत देखकर मुझ पर रहम आ गया, इसलिए उन्होंने ऐसी ही एक कौड़ी देकर मुझे मेरे जालिम आका से खरीद लिया। और फिर वक्त हम पर मेहरबान हुआ, हम पर अल्लाह की नजरें इनायत हुई और हम एक गुलाम सुल्तान बन गए। आज हम तहे दिल से तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। जिंदगी के वो गमगीन पल आज जीत के तमगे बनकर हमारे सीने में जड़ गए हैं। पूरी कायनात में इनसे बढ़कर तोहफा और कोई भी नहीं। इन्हें हमारे कफ्तान में जरूर टांगना। ईद के दिन हम इन्हें जरूर पहनेंगे। शुक्रन अल्लाह, शुक्रन शहजादी। गुस्ताखी माफ हो, पर यह पैगाम देना निहायत जरूरी था। मौत का पैगंबर? आज के दिन किसकी मौत का पैगाम लाए हो? कहीं कोई अपना तो नहीं? जी नहीं जहां पना, मगर आपके लिए खून के रिश्ते से भी बढ़कर है। कौन है वो? ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो निजामुद्दीन चाचा से आज ही मिले थे।
फातिमा। कौन है ये लड़की, क्या चाहिए इसे? निजामुद्दीन की गुलाम है जहां पना। दस्तूर के मुताबिक निजामुद्दीन के साथ उसकी गुलाम को जिंदा दफन करना पड़ेगा। इन शाही कागजातों पर आपके दस्तखत चाहिए। सुल्तान, देख दे सुल्तान, रहम, रहम कीजिए सुल्तान, दुआएं, दुआएं है सुल्तान, मैं जीना चाहती हूँ सुल्तान, मुझे जिंदा दफन नहीं होना सुल्तान, मेरे आका मुझे खत आजादी देना चाहते थे सुल्तान, सुल्तान मुझे बचा लीजिए सुल्तान। सुल्तान के सामने अपनी आवाज ऊंची करके गुस्ताखी मत कर लड़की, इसे अपनी नजरों से दूर करो और कैद खाने में ले जाकर डाल दो। नहीं, नहीं, सुल्तान, सुल्तान मुझ पे यकीन नहीं, तो शहजादी से पूछ लीजिए सुल्तान, सुल्तान वो इस बात की गवाह, सुल्तान वो मिली थी आज मुझसे सुल्तान, सुल्तान बचा लीजिए शहजादी, सुल्तान मुझे बचा लीजिए सुल्तान, मुझे बचा लीजिए सुल्तान, 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 रुको, रुको। इस लड़की के आका ने इसकी रिहाई के लिए कोई दस्तावेज या कोई खत लिखा था? जी नहीं जहां पना। निजाम के बेटे या उनका कोई सगा रिश्तेदार कोई है जो इस लड़की को अपनाना चाहता है? जी नहीं जहां पना। निजामुद्दीन के बेटे रहमत को इस गुलाम लड़की को रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने कह दिया है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दस्तूर के मुताबिक इसको निजामुद्दीन के साथ जिंदा दफन कर दिया जाए। मार्तंड, आज इस पाक दिन हम किसी से उसकी जिंदगी नहीं छीनना चाहते, इसलिए ईद के अगले दिन हम इन कागजातों पर अपनी मोहर लगा दें, अपनी मोहर लगा दें। सुल्तान, जाबरा, जाबरा, मेरी बात सुनिए, जाबरा, जाबरा, सुल्तान, 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 नहीं, शहजादी, शहजादी राजा, आप तो सच्चाई बता दीजिए शहजादी, अल्लाह के लिए उन्हें बताइए, शहजादी राजा, शहजादी राजा, उन्हें बचा लीजिए, शहजादी राजा, मेरे आका मुझे आजाद करना चाहते थे, शहजादी राजा, उन्हें बचा लीजिए, आप तो सच्चाई जानती है, आप मुझे बचा सकती है, शहजादी राजा, आप तो जानती है क्या तुम क्या जानते हैं, मुझे बचा लीजिए, शहजादी।